अरे 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 भाई, अरे क्यों मेरे भाई क्यों? अभी मैं अगर गाड़ी खोल दिया तो भाई तू दिखेगा भी नहीं, इसलिए क्यों? देखो देखो, कुछ जरूरत नहीं है फुक्कट में। एनीवेज, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज स्पीडी लियो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं रफीक भाई के गैरेज पे टू चेक द बाइक। बेसिकली रफीक भाई ने बोला था कि चेंबर डालने के बाद में एक बार गाड़ी लेके आ तो कैसा तेरा ये मालूम पड़ जाएगा, स्पार्क प्लग ड्राई है कि नहीं चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या चेंबर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग जाके वो देख लेंगे। एंड अभी देखने गया तो इंडिकेटर मैं कोई भी साइड का मारूँ तो दोनों ही जलता है, 1000 लाइट हो गया अभी, वो इंडिकेटर नहीं रह गए। तो वो अभी चेक करने गए। तो ये गाड़ी का एक प्रॉब्लम है, मतलब कितना भी अभी मैंने इसका इलेक्ट्रिकल्स का सब काम किया था, मतलब हॉर्न ठीक है, लाइट अपना पार्किंग लाइट और नॉर्मल हाई बीम लो बीम वो सब ठीक है, ब्रेक लाइट मेरा काम नहीं कर रहा है और इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। अभी कुछ ही महीना पहले, एक साल भी नहीं हुआ काम किया था मैं, और अभी ये ख़राब हो गया फिर से। तो इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लीकेज का प्रॉब्लम है ना, प्रॉपर इंसुलेशन नहीं हुआ ये गाड़ी का, मतलब जैसा भी जो भी इलेक्ट्रिकल एरिया रहता है इसका इतना ठीक से बनाया नहीं है इसको। अभी 80s 90s का गाड़ी है तो क्या अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको। फिर भी मैं इतना टॉप कंडीशन में रखता है तो भी गाड़ी में मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ निकलता है, छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल्स का ही काम निकलता है। आरएक्स में ना मेरे को यही एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट लगता है मेरे को, कि मतलब इसका इलेक्ट्रिकल्स कितना भी संभाल के रखो कुछ भी करो ये ना ख़राब हो ही जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी, अभी हम लोग जाएंगे, ये दो काम आज करने का है। एंड ट्रैफिक क्यों है आज, क्यों? होली एफ, पुलिस है, पकड़ना नहीं चाहिए चेंबर के लिए, फक। होली ये चेंबर का मतलब लो आरपीएम पे हाई गियर पे तो गाड़ी इतना आवाज नहीं करता, लेकिन इसको जब भी खोल दिया ना तो घंटा से किसका आवाज़ नहीं आता, इतना आवाज़ करता है गाड़ी, मतलब अच्छा तरीका से एकदम में, ऐसा नहीं कि परेशान कर देता लोगों को, लोग भी ऐसा मतलब मुड़ मुड़ के देखते हैं कि भाई कौन सा गाड़ी आया कौन सा गाड़ी आया। और मैं सोचा एक अच्छा पैच में से निकालूं, लेकिन साला फटाक से ख़राब पैच आ गया। ये भी आरएक्स का खास बात है कि इसको साला किधर से भी कूदाओ कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इसको, एक तो स्पोक व्हील है तो बेंड होने का तो चांस ही नहीं आता है, खाली जाएगा तो आपका जो आगे वाला हब रहता है हब वो जा सकता है। हब तो मैं भी एक बार ख़राब कर दिया है पहले, जब भी भाई आपका एकदम थोड़ा गर्म खून था, जब भी 11th 12th में फुकट का विली मारता था गाड़ी के ऊपर, और विली मार मार के ऐसा अपटने का गाड़ी को कि उसका हब ही ख़राब कर दिया था मैं, तो मेरे को नया हब डालना पड़ा था। उस दिन से नो फालतू विली, इज्जत से चलाओ।
चल भाई मिलते, चलो अंकल, चलो छोटू भाई, रफीक भाई, चलो भाई आता है। ओके गाइस, सो वी आर डन फॉर द डे। ओके सो गाइस, अभी मेन बात करते हैं आज क्या हुआ, अपन ने क्या काम किया है गाड़ी में। तो बेसिकली जो मेरा इंडिकेटर था, इंडिकेटर दोनों मेरा कोई भी मैं डायरेक्शन में डाल रहा था तो दोनों जल रहा था। तो जब हम लोग ने आगे से खोल के चेक किया तो सब सही था कनेक्शन, फिर जब सीट खोल के देखा तो उसमें दोनों इंडिकेटर का वायर चिपक गया था। तो कैसा कोई भी डायरेक्शन दे रहे थे तो दोनों ही लाइट जल रहा था। तो उसको फिर हम लोग ने अलग किया और टेप मार दिया उसको, तो वो सॉर्ट हो गया। अभी मेन बात करते हैं अपन चेंबर का। तो चेंबर में अभी छोटू भाई से मैंने बात किया और रफीक भाई से अपने, तो मालूम पड़ा कि अपना जो एग्जॉस्ट है, पहली बात सो गाइस, अपना जो चेंबर है वो कैलकुलेटेड नहीं है। जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा, एक कैलकुलेटेड एग्जॉस्ट आता है, कैलकुलेटेड चेंबर, और एक बिना कैलकुलेटेड वाला है। कैलकुलेटेड वाला आता है 4,000-4,500 तक, 5,000 तक, 6,000 तक, और 6,000 लास्ट है। उसके ऊपर चेंबर को देख के कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। और फिर अपन ने जो लिया है वो बिना कैलकुलेटेड वाला है, मतलब बेसिकली पावर उवर तो देगा ही गाड़ी, लेकिन आवाज़ भी देता है। तो ऐसा कैलकुलेटेड और बिना कैलकुलेटेड में ये फ़र्क रहता है। अभी मेन जो फ़र्क है वो ये है इंस्टॉलेशन के टाइम में। कैलकुलेटेड वाला एग्जॉस्ट आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं स्टॉक कार्बोरेटर सेटिंग पे, समझा? स्टॉक कार्बोरेटर आपका जो सेटिंग पे मतलब चल रहा था उस पे आप सीधा चेंबर डाल के सीधा चला सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेटेड एग्जॉस्ट। अभी अपने पास है बिना कैलकुलेटेड वाला एग्जॉस्ट। हाँ, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कार्बोरेटर में फ्यूल और ऑयल ये थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो फिर अपना पिकअप में प्रॉब्लम दे देगा, वो गाड़ी उठेगा ही नहीं ज़्यादा अगर फ्यूल पेट्रोल छोड़ दिया तो उसके अंदर। तो वो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, मतलब जिसको जानकारी है कार्बोरेटर में खेल सकता है जो, उसको बताने का ये चीज़। एंड यही बात है, ये आज मेरे को मालूम पड़ा कि अपन ने कार्बोरेटर में सेटिंग क्यों किया। और अगर अपन ये सेटिंग नहीं करते थे अपना वाला कार्बोरेटर में, तो वो पिस्टन में फ़र्क पड़ता था उसको, और जो स्पार्क प्लग है उस पर भी फ़र्क पड़ता था। तो आज हम लोग ने स्पार्क प्लग भी चेक किया कि ज़्यादा ड्राई है क्या, ज़्यादा वेट है, परफेक्ट था जितना, मतलब जैसा रहना चाहिए स्टॉक में जैसा दिखता है वैसा ही दिखना चाहिए। एंड और तो कुछ बाकी मतलब है नहीं। तो मतलब यही बात है, अगर आपको इंस्टॉलेशन करने का इसका, तो आपको सिर्फ यही बात ध्यान रखने का है कि कार्बोरेटर में आपको ऑयल और फ्यूल का थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, इसके वजह से माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है। तो वो उसके ऊपर अपन किसी और दिन बात करेंगे। एंड यही था ये वीडियो, और भी अभी बहुत सारा वीडियोज आने वाला है इसके ऊपर। प्योर साउंड वाला वीडियो आएगा, माइलेज वाला वीडियो आएगा, और बहुत सारा मतलब मैंने वीडियोस प्लान करके रखा है। तो मतलब अभी आपको वेट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। एंड यू गाइस शुड एंजॉय, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो टिल द एंड स्टे ट्यून, राइड सेफ, एंड पब्लिक कभी सुधरेगा, ग्रीन सिग्नल पे चल के जा रहा है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।